यूट्यूब ने आज बहुत लोगों को गाड़ी दी है, बंगला दिया, बैंक बैलेंस भी दिया और साथ ही बहुत सारा फैम। आज इंडिया ने कुछ ऐसे टॉप यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब के सहारे अपने बाकी बिजनेस भी खड़े किए हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर जो कि आज यूट्यूब के थ्रू करोड़पति बन चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे बी यूनिक की, जिनके आज 3.84 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का जिसने यूट्यूब के फील्ड को चूज करके लोगों को बहुत एंटरटेन किया है। अपने बी यूनिक निकुज ने यूट्यूब से पहले दूसरे और भी फील्ड में काम किया है, बारटेंडर और कॉल सेंटर में। फिर एक दोस्त के सजेस्ट करने पर बाद में निकुल ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था जिसका नाम था नॉट सो फनी, पर वो कुछ खास चला नहीं। फिर एक दिन बी यूनिक ने जॉब छोड़कर अपना सारा फोकस यूट्यूब पर किया। तब से लेकर आज तक उनके चैनल ने काफ़ी ग्रोथ की है। उनके ज़्यादातर वीडियो कोलैबोरेशन वाले ही होते हैं। अपने नाम की तरह ही बी यूनिक का कंटेंट भी बहुत यूनिक होता है और वीडियो के लास्ट में स्मॉल ट्विस्ट भी रहता है जिससे ऑडियंस एंड तक जुड़े रहते हैं। बी यूनिक के कुछ खास पॉपुलर वीडियोज जैसे कैन यू लिव इन डॉम्बिवली, फर्स्ट डेट और मैन विल बी मैन, जॉब इंटरव्यू गॉन रॉन्ग, ऐसे वीडियो बहुत हिट हुए हैं। हाल ही में हुआ विडकॉन 2019 यूएसए जो कि कैलिफोर्निया में हुआ था, बी यूनिक ने एज अ ओनली डिजिटल क्रिएटर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। यूट्यूब से पॉपुलैरिटी गेन करके पिछले साल उन्होंने अपने बिजनेस भी स्टार्ट किया है। नाम है द फीस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी सैन फ्रांसिस्को में कुछ डिजिनेटेड स्पॉट पर फूड ट्रक के द्वारा लोगों को महाराष्ट्रियन फूड जैसे वड़ा पाव, चाय, समोसा, चिवड़ा, ऐसे फूड सर्व करती है। ऐसे ही और ट्रक मोल्डवेयर स्टार्ट करने का उनका प्लान है। नेक्स्ट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि जाने माने इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप ट्रेनर हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर 13.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसी के साथ इनके नाम पर 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं जो कि विवेक बिंद्रा ने यूट्यूब के थ्रू ही बनाए हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर वो लोगों को बिजनेस की स्टडी और बिजनेस ग्रोथ के आइडियाज देते हैं। यूट्यूब के थ्रू उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रांगली बिल्ड किया है। पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा भगवद गीता पढ़ने के बाद उससे बहुत प्रभावित हुए थे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस आइडियाज और भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को जोड़कर लोगों को बिजनेस में ट्रेन किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 2012 में अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था ग्लोबल एक्स यानी अकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, और उसी कंपनी को आज हम बड़ा बिजनेस के नाम से जानते हैं। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के और यूट्यूब के थ्रू ही बहुत सारे नॉलेजेबल कोर्स प्रोवाइड करते हैं और उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड मोस्ट एफोर्डेबल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसी वजह से डॉक्टर बिंद्रा जी को काफी अवार्ड मिले हैं जैसे बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन इंडिया, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया। तीसरे नंबर पे बात करते हैं बियर बाइसेप्स यानी रणबीर अलापादिया। 2014 में रणबीर ने अपनी जर्नी फिटनेस और वेट लॉस करने के लिए की थी जिसमें वो लोगों को फिटनेस के लिए ट्रिक्स और टिप्स देते थे। एक छोटे से नियर से स्टार्ट करके बियर बाइसेप्स ने वक्त के साथ साथ अपने कंटेंट में भी बहुत डाइवर्सिटी लाई। आज वो अपने चैनल पर पॉडकास्टिंग भी करते हैं जो कि स्पॉटिफाई पर इंडिया को नंबर 1 पॉडकास्ट है। उनके पॉडकास्ट के गेस्ट में प्रियंका चोपड़ा और अर्नाल्डो जैसे बड़े सेलिब्रिटीज का भी नाम शामिल है। यूट्यूब के थ्रू रणवीर अलाबादिया ने अपनी डिजिटल मीडिया कंपनी भी स्टार्ट की जिसका नाम है मॉन्क एंटरटेनमेंट, जहां वो सोशल मीडिया ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि आज इंडिया में सबसे लीडिंग डिजिटल कंपनी में से एक है, जिसके अंदर वो नायका और जिलेट जैसी बड़ी कंपनी की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपेन भी रैंक कर चुके हैं। अगले हैं आशीष चंचलानी। अपनी कॉमेडी वीडियोस से लोगों को बहुत हंसाने वाले आशीष आज इंडियन डिजिटल मीडिया पर मोस्ट पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं 19.8 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। आशीष चंचलानी वाइंस आज इंडिया के मोस्ट इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर में 3 मोस्ट सब्सक्राइब चैनल बन चुका है।
आज करीबन सारे एक्टर अपनी फिल्म प्रमोट करवाने के लिए उनकी वीडियो का पार्ट बनते हैं। उन्होंने बहुत फेमस लोगों के इंटरव्यूज भी लिए हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आशीष ने एक्टिंग को ही अपना करियर चूज किया। पहले वो इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस पोस्ट किया करते थे, उन्हें बहुत रिस्पॉन्स मिलता था, उनकी फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई थी। फिर 2014 में इन्होंने अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालना स्टार्ट किया। लोगों को उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई, उनके चैनल ने बहुत ग्रोथ किया। आशीष को अब तक बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे बेस्ट कॉमेडी इन्फ्लुएंसर अवार्ड और दादा साहिब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डिजिटल इन्फ्लुएंसर का भी अवार्ड। आशीष चंचलानी फोर्थ ऐसे इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं जिसे यूट्यूब की तरफ से डायमंड प्ले बटन मिला है। आशीष चंचलानी वाइंस अब तक फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बन चुका है। इतनी मैशिंग फैन फॉलोइंग की वजह से आज आशीष अपने चैनल पर कोई भी प्रोडक्ट या ऐप को प्रमोट करने के लिए 30 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं भुवन बाम की। इंडिया में जो कोई भी सोशल मीडिया भी स्टार्ट की थी और उनकी मर्चेंडीज इंडिया के सबसे ज्यादा सेलिंग मर्चेंडीज में से एक है। रिसेंटली भुवन बाम का नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी आया था। इतना ही नहीं, भुवन बाम को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि मोस्ट वायरल कंटेंट क्रिएटर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर एंड आइकन ऑफ न्यूड। नेक्स्ट है मूसली सेन, एके प्राजक्ता कोहली। एक रेडियो चौकी बनने का सपना देखने वाली प्राजक्ता कोहली ने यूट्यूब की ओर बढ़ने के बाद लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। आज वो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिनोर्ड फीमेल कंटेंट क्रिएटर में से एक है। मूसली सेन के आज 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर भी उनके 2.4 मिलियन की फॉलोइंग है। प्राजक्ता ने काफी सेलेब्स के साथ कोलैबोरेट भी किया है, जैसे करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विक्की कौशल भी। कंटेंट क्रिएशन ब्लॉग्स और इंटरव्यूज, रियल टॉक्स, ऐसे सारे वीडियोस मोस्टली सेन चैनल पर हमें देखने को मिलते हैं। हाल ही में प्राजक्ता ने यूट्यूब ओरिजिनल प्रिटी फिट भी लॉन्च किया था, जो कि काफी हिट हुआ था। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 30 अंडर 30 एंटरप्रेन्योर्स 35 अंडर 35 भी प्राजक्ता को फीचर किया गया था। रिसेंटली प्राजक्ता ने अपनी फर्स्ट फिल्म भी लॉन्च की है, जिसका नाम है ख्याली पुलाव। साथ ही काफी सोशल इंडिकेटर्स में भी प्राजक्ता ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे क्रिएटर फॉर चेंज, गर्ल काउंट एसेट्रा।